वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज की ऑनलाइन स्टडी में हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये जानेंगे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर होता क्या है। इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें किसी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर थर्ड ग्रुप के एलिमेंट को जब हम मिक्स करते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। इससे पहले हमने क्लास में जो पढ़ा था वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें केवल प्योर सेमीकंडक्टर होता था और उसमें कंडक्शन कैसे होते थे वो पढ़ते थे हम। बट आज का जो लेक्चर है वो हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। मतलब अगर हम किसी प्योर सेमीकंडक्टर में थर्ड ग्रुप के एलिमेंट मीन्स जिसकी वैलेंसी 3 हो, जैसे थर्ड ग्रुप का एलिमेंट कौन कौन से हो गया, बोरॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, ये सब मैंने लिखा है। तो जब इसको मिक्स करके जो सेमीकंडक्टर मटेरियल बनाते हैं उसे हम पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल कहते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब हम इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसे बनता है। तो ये देखिए मैंने क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर हम लोग थर्ड ग्रुप का कोई भी एलिमेंट, जैसे मान लीजिए कि मैंने बोरॉन ले लिया जिसकी वैलेंसी कितनी है, 3 वैलेंसी का मतलब ये हो गया कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 3 होंगे। तो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे सिलिकॉन्स के आपके एटम हैं और बीच में मैंने एक जगह यहाँ पे बोरॉन की इम्प्योरिटी ऐड कर दी है। तो अब देखिए सिलिकॉन में सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी थी, 4, यानी कि उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो, 4, तो 1, 2, 3, 4। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी सिलिकॉन के लिए 1, 2, 3, 4 हो लिया है इलेक्ट्रॉन, और फिर यहाँ पे सिलिकॉन के लिए। अब यहाँ पे सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने, 1, 2, 3, 4, यहाँ भी देखिए 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी वही चीज़। और यहाँ अब हमने क्या किया कि मतलब इतने एटम के बीच में मैंने एक बोरॉन को ऐड कर दिया जिसकी जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 3, 1, 2, 3। इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा किया हुआ इसके कंपैरिजन, क्योंकि ताकि डिफरेंट आपको पता चल जाए कि ये आपका बोरॉन का इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें आप देखोगे कि 1, 2, 3 तो है, बट लास्ट में एक मतलब कि होल, मतलब कि बिल्कुल खाली बच जा रहा है। ठीक है, देखिए पहले कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। सिलिकॉन का यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इसका इसके साथ कोवेलेंट बना, सबका क्या हुआ, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसके सब बाकी सबके क्या हो गए, आपके कोवेलेंट बॉन्ड बन गए, जैसे कि मैंने क्लास में भी बताया था। अब इसी तरीके से बोरोन का देखिए, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने नियर सिलिकॉन के जो कह लीजिए इलेक्ट्रॉन है उससे इन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। ये भी क्या किया, अपने नियरेस्ट सिलिकॉन का जो एटम है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उससे भी इन्होंने क्या कर लिया है, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। यहाँ भी इन्होंने कोवेलेंट बना लिया, बट अगर हम इस साइड को देखें तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, यानी कि बिल्कुल फ्री स्पेस है, और इस फ्री स्पेस को हमने मतलब कि नाम दे दिया होल, यानी कि बिल्कुल खाली जगह है जिसका मैंने नाम दे दिया होल। अब ये जो है इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसीलिए मैंने इसको डॉटेड लाइन से शो किया है कि कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता है। तो अब कैसे इसमें कंडक्शंस होंगे वो हम देखेंगे। तो इसी तरीके से मैंने तो केवल 1 बोरॉन का एक एग्जांपल दिया है, बट अगर हम सिलिकॉन एटम और भी ले लें तो नंबर ऑफ और भी बोरॉन की इम्प्योरिटी ऐड की जाती है, तो कई जगह मतलब कि हमें इस तरीके से होल्स दिखेंगे, क्योंकि जो हमारे पास एक कमी हो जा रही है इलेक्ट्रॉन की, जो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना पा रहा है, वहाँ पे जो जगह बचता है उसे हमने होल्स का नाम दिया। अब हम ये देखेंगे कि इस होल्स के कारण कैसे पी टाइप सेमीकंडक्टर में करंट का फ्लो होता है, यानी कैसे कंडक्शन होता है। तो उसके लिए मैं एक चीज़ आपको दिखाऊंगी। यहाँ देखिए कंडक्शन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो आपको पता है कि नॉर्मल केस में तो इसमें कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, बट अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अप्लाई करते हैं, यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो कैसे करंट का फ्लो होगा वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैंने एक छोटा सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देखिए करंट का फ्लो कैसे होता है, क्यों होता है, वो देखना है। सबसे पहले यहाँ पर अगर ये होल था ना पहले, तो इस होल को फिल करने के लिए क्या करेगा कि जो नियर का इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेगा, ठीक है। यहां पे आकर के इस होल को फिल कर दिया, जब इस होल को फिल कर दिया तो यहां तो इलेक्ट्रॉन आ गए, बट यहां पे फिर से होल क्रिएट हो जाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए शो किया है कि ये इलेक्ट्रॉन अगर इस होल को फिल कर देता है तो यहाँ पे इसकी जगह फिर से एक होल क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। अब
यहाँ पे अगर मान लीजिए होल क्रिएट हो गया, तो इस होल को फिल करने के लिए फिर से नियर का जो इलेक्ट्रॉन है इसको फिल करने के लिए मतलब कि आता है। जब इसको फिर से फिल करता है तो फिर से यहाँ पे एक होल खाली स्थान क्रिएट होता है जिसे हम होल कहते हैं। तो इस तरीके से होल को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो गई। अब जब यहाँ पे होल क्रिएट हो गया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस होल को फिल कर रहा है, तो अभी यहाँ पे जो होल क्रिएट हुए इस होल को फिल करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव किया और इसको फिल कर दिया, तो अभी यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर से आपका यहाँ पे होल्स बच गए। तो इस तरीके से होल को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट हो रहे हैं और होल क्या हो रहा है जिसके कारण इसमें करंट का फ्लो होता चला जा रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ें हम लोग बार बार पढ़ते हैं ना, आगे हम पढ़ेंगे होल्स का फ्लो। होल्स का फ्लो एक्चुअल होल्स का फ्लो नहीं होता है, बेसिकली उस होल्स को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, इसलिए हम आगे पढ़ेंगे आगे के लेक्चर में जब हम डायोड पढ़ेंगे तो पी में होल्स का फ्लो, एन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हम पढ़ेंगे, बट होता तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। इलेक्ट्रॉन जब होल्स की जगह आता है तो उसके कारण करंट फ्लो होते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये बात समझ में आ गई कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो किस तरीके से करंट का फ्लो होता है। लेकिन रीजन तो हमें यही देना है कि इस तरह होल को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है और वहां पे होल प्रोड्यूस हो जा रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये प्रोसेस आगे इसी तरीके से चलता चला जाएगा, इसी तरीके से आगे प्रोसेस चलते चले जाएंगे और क्या होगा कि उस डिवाइस में एक करंट का फ्लो होने लगता है। ठीक है, तो आप इस मतलब कि पी टाइप सेमीकंडक्टर से ये चीज़ समझ चुके होंगे कि इसमें जो नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर, ठीक है, मेजॉरिटी कैरियर्स आपके होल हो गए, ठीक है, और माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मेजॉरिटी कैरियर यानी कि होल्स के कारण करंट फ्लो हो रहा है बेसिकली, तो उसको फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन आ रहा है, लेकिन हम पढ़ेंगे क्या कि होल्स के कारण मेजॉरिटी कैरियर्स के कारण करंट फ्लो होता है, बाकी माइनॉरिटी कैरियर कारण तो लीकेज करंट फ्लो होता है। तो आप लोग को ये बच्चों आप लोग को ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से पी टाइप सेमीकंडक्टर में करंट का फ्लो होता है, वो है होल्स के कारण। ठीक है, होल्स के कारण कैसे हो रहा है वो मैंने बता दिया कि होल्स को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई, फिर वहाँ पे एक होल्स क्रिएट जनरेट हुआ, फिर उस होल को फिल करने के लिए अपने बगल के मतलब कि इलेक्ट्रॉन उसको फिल करने के लिए आता है, फिर उसके बाद इस तरीके से प्रोसेस चलती रहती है और उस डिवाइस में करंट का फ्लो होता है। अब हम इस चीज़ को एनर्जी बैंड डायग्राम से देखेंगे, बट एनर्जी बैंड डायग्राम देखने से पहले हम ये देखेंगे कि जो हम थर्ड ग्रुप की इम्प्यूरिटी को मिक्स करते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है ना, होल्स को इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए कि क्रिस्टल के इम्प्यूरिटी एटम की एक और रिक्त स्थान रह जाता है जिसे होल कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, या होल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, अर्थात थर्ड ग्रुप के इम्प्यूरिटी को हम एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी कहते हैं। तो इस बात को ध्यान से समझिएगा कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो इम्प्यूरिटी मिलाई जाती है उसे हम एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी कहते हैं। ठीक है, और चूंकि ये किस टाइप का सेमीकंडक्टर, ये पॉजिटिव टाइप का सेमीकंडक्टर हुआ। कैसे पॉजिटिव टाइप का सेमीकंडक्टर हुआ, जैसे कि आपको पता था कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज हो रही है, अब चूंकि होल्स है जिस होल्स क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो एक्सेप्ट करने के कारण उसको हमने क्या कह दिया, पी टाइप का सेमीकंडक्टर, मतलब पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर बताया है। ठीक है, अब हम इसके बारे में देखेंगे एनर्जी बैंड डायग्राम के थ्रू। देखिए, ये मैंने एनर्जी बैंड डायग्राम दिया हुआ है। एनर्जी बैंड डायग्राम मैंने क्लास में बताया था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जब पढ़ाया था तो वहाँ पे भी मैंने बताया था कि किस तरीके से एनर्जी बैंड डायग्राम बनते हैं, उसके लिए हमें 12th की केमिस्ट्री पे जानी पड़ती है। ठीक है, लेकिन सिंपली आप देख लीजिए, जब मैंने प्रीवियस क्लास में यानी कि जब क्लास में जब मैं पढ़ा रही थी तो बताया था कि ये जो आपका बैंड होता है वो वैलेंस बैंड है, और जस्ट इसका सबसे टॉप का जो बैंड हुआ वो कंडक्शन बैंड हुआ। ठीक है, और आपका जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप बनता है वो आपका डिफ सिलिकन के लिए अलग होते हैं, जर्मेनियम के लिए अलग होते हैं। अब
चूंकि पी टाइप में आपको पता है कि जो वैलेंस बैंड होते हैं उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, कंडक्शन बैंड में कमी होती है। कंडक्शन बैंड में भले वो आपका इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है जिसके कारण वो उस डिवाइस में करंट का फ्लो होता है, लेकिन वैलेंस बैंड में ही तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होती है। तो चूंकि पी टाइप में हमने क्या पढ़ा था कि जो होल्स होता है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन कर, तो इलेक्ट्रॉन के पास यानी कि जो न्यू आपका एनर्जी बैंड बनेगा वो तो आपका एक्सेप्टर एनर्जी बैंड है, जो कि आपके वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर होता है, कंडक्शन बैंड के जस्ट ऊपर नहीं होता, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है ना, क्या कर रहा है, ये आपका एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने एक्सेप्टर इम्प्योरिटी का जो बैंड बनाया हुआ है वो वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर बनाया हुआ, ठीक है, और इसकी जो इसमें जो वोल्ट होती है सिलिकन के लिए 0.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है, और अगर जर्मेनियम के लिए बात की जाए तो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ज़रूरत होती है, जिसके लिए मैंने नोट्स भी बना दिया है। तो चीज़ें समझ में आ गई कि पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स आपके होल्स होंगे और माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यही चीज़ हम लोग अब इसके बाद एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे कि किसके कारण करंट फ्लो होती है। तो ये बच्चों बात आप लोगों को क्लियर में समझ में आ गई होगी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर होते क्या है, इसमें करंट का फ्लो कैसे होता है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।